नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई यात्रा में। हम अक्सर घूमने फिरने के लिए शहर से दूर के स्थानों को ही वरीयता देते हैं। खासकर हम दिल्ली वालों का दिल तो हिमालय की वादियों में ही बसता है। मैं अभी उनमें से एक हूँ। आपने मेरी पिछली यात्राओं में उत्तराखंड, लद्दाख इत्यादि के दर्शन किए होंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार हम दिल्ली शहर के एक इलाके की सैर करेंगे। दिल्ली में जब भी कहीं घूमने जाने की बात होती है तो आमतौर पर दिमाग में जो जगहें सबसे पहले आती हैं वो हैं लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, चिड़ियाघर, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम मंदिर, छतरपुर मंदिर, यही ना, या फिर लुटियन बंगलो जोन के इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और कनॉट प्लेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सैर लुटियन जोन में ही बसे एक सांस्कृतिक केंद्र की, जिसका नाम है मंडी हाउस। ये दिल्ली के आर्ट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। इस जगह का नाम पड़ा है हिमाचल में मंडी नरेश के निवास स्थान के नाम पर। साहित्यिक तथा कलात्मक गतिविधियों, थिएटर व रूपांकर कलाओं के केंद्रों की बहुत बड़ी और जानी मानी संस्थाओं का यही ठिकाना है। इस गोल चक्कर के इर्द गिर्द कम से कम 5 थिएटर, 4 जाने माने आर्ट ट्रेनिंग स्कूल, 2 आर्ट गैलरियां और 3 लाइब्रेरी हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो लगभग 100 साल पहले जयपुर के राजा के गांव जयसिंहपुरा के नजदीक इस इलाके में कुछ गांव थे, कुछ बाग थे और ईंटों के भट्टे थे। इसके अलावा गुजरी हुई सदियों की इमारतों के खंडर। लोग इस इलाके को खंडरात कला ही कहने लगे थे। 1911 में जब अंग्रेजी राज की राजधानी कलकत्ता से उठाकर दिल्ली लाने का निर्णय किया गया तो शाहजहानाबाद के दक्षिण की ओर एक छोटा सा शहर बनाने की योजना बनी। इसके लिए जयपुर के राजा से कुल 57,000 रुपये में जमीन खरीदी गई। वास्तुकार लुटियंस और उनकी टीम ने पहाड़गंज से जोरबाग तक के इलाके में बनने वाली सड़कों और प्लॉटों की योजना तैयार की। योजना के मुताबिक इस इलाके को जे सर्कल कहा जाता था। इस इलाके के प्लॉट पंजाब के रजवाड़ों जैसे नाभा, बहावलपुर, मंडी, मलेरकोटला, जींद, फरीदकोट और कपूरथला इत्यादि को दिए गए। अब इसके भूगोल पर भी चर्चा कर लेते हैं। मंडी हाउस यानी जे सर्कस लुटियंस द्वारा डिजाइन की गई नई दिल्ली का एक अहम हिस्सा है। नई दिल्ली का सबसे प्रमुख केंद्र है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच स्थित है भारत का राष्ट्रपति भवन। इसे वायसराय हाउस के तौर पर बनाया गया था। यहां से हमारे देश की सबसे खास सड़क निकलती है, राजपथ। जिसे पहले किंग्सवे कहा जाता था। यह सी हेक्सागन यानी इंडिया गेट से सीधी जुड़ी हुई है, जिस इलाके को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इंपीरियल दिल्ली के इस नक्शे के जरिए अगर देखें तो रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट के बीच ये जो सीधी लाइन है, ये है राजपथ। यहां से राइट एंगल पे कोपरनिकस मार्ग जुड़ता है मंडी हाउस से। मंडी हाउस गोल चक्कर के चारों तरफ से आज 7 सड़कें निकलती हैं और हर सड़क की अपनी एक खास तासीर है। हम अपनी यात्रा इसी गोल चक्कर पे क्लॉकवाइज चलते हुए तय करेंगे। जो कभी मलेरकोटला हाउस हुआ करता था वो आज यहाँ नेपाल के दूतावास के तौर पर एक बेहद खूबसूरत इमारत के रूप में खड़ा है। यह है दिल्ली शहर की एक भागती दौड़ती सड़क बारा खंबा रोड, जो कि मंडी हाउस को कनॉट प्लेस से जोड़ती है। जब नई दिल्ली के लिए जमीन ली गई उस वक्त यहाँ खंडरों का एक झुंड था जिसे आमतौर पर बारा खंबा कहा जाता था। 1914 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। बारा खंबा रोड पर स्थित 100 साल पुराने मॉडर्न स्कूल के संस्थापक थे लाला रघुवीर सिंह और सर शोभा सिंह। 26 एकड़ में फैले इस स्कूल का एक अलग ही रुतबा है। बारा खंबा रोड और तानसेन रोड के इंटरसेक्शन पर एक आर्ट पीस लगाया गया है। यहाँ साथ ही ये जो टूटी हुई इमारत दिख रही है, इसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसे आज़ादी की सिल्वर जुबली पर खोला गया था। 2016 में लगी आग ने इस म्यूजियम को तबाह कर दिया और दिल्ली के 10-11 ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर में बनी बिल्डिंग्स में से एक को कम कर दिया। ये म्यूजियम फिक्की भवन में स्थित है। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने 1927 में की। यहाँ 626 सीटों वाला एक सभागार भी है। इस रोड का नाम पहले बाजार रोड था, क्योंकि ये दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक बंगाली मार्केट पे खत्म होता है। बंगाली मार्केट का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। इस मार्केट का नाम पड़ा उस शख्स के नाम पर जिसने यहाँ की जमीन खरीदी और 1934 में यहाँ बाजार स्थापित किया। उस शख्स का नाम था लाला बंगाली मल्लोहिया। संस्कृतियों का संगम त्रिवेणी कला संगम जिस जगह पर स्थित है उसके लिए तानसेन रोड नाम ही उचित है। त्रिवेणी कला संगम की संस्थापक जानी मानी नृत्यांगना सुंदरी श्रीधरनी ने इस भवन का निर्माण 1963 में करवाया था।
त्रिवेणी भवन अमरीकी वास्तुकार जोसेफ एलन स्टाइन की खास जालियों और छज्जों की शैली की बढ़िया मिसाल है। तानसेन रोड और सफदर हाशमी रोड के इंटरसेक्शन पर एक सूखे हुए खाली पुल के बीच में आधुनिक मूर्तिकला की एक रचना स्थापित है। यहाँ पर खान साहब पिछले 20 सालों से अदरक वाली चाय का स्वाद बिखेर रहे हैं। इसके पीछे हम देख सकते हैं संगीत भारती, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य का एक प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। कभी इस रोड का नाम होता था कॉलेज रोड। प्रतिभाशाली अभिनेता तथा निर्देशक सफदर हाशमी की हत्या के एक बरस बाद कलाकारों, लेखकों और फिल्मकारों की मांग पर इसका नाम बदलकर सफदर हाशमी रोड कर दिया गया। सफदर को नुक्कड़ नाटकों और जन नाट्य मंच स्थापित करने के लिए याद किया जाता है। बाकी दिल्ली की तरह इस इलाके की शाम भी ढलने के साथ साथ जवान होती है, लेकिन उसका अंदाज कुछ निराला है। श्रीराम सेंटर के बाहर चाय समोसे के साथ सीन डायलॉग और नाटक की चर्चा, इधर उधर की गपशप और चेहरे पर बेफिक्री लिए लोग आमतौर पर मिल जाते हैं। नाटक के लिए कतारबद्ध लोग, तो कहीं स्केच से चित्र बनाते दृश्य लगभग हर दिन मंडी हाउस के इलाके में दिखाई देते हैं। नृत्य संगीत और अभिनय की पाठशालाएं यहां से गुजरने वालों को चौंकाती हैं, लुभाती हैं और भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा सुकून देती हैं। संजना जी इस पेड़ के नीचे पिछले 20 सालों से किताबें बेच रही हैं। यहां पर मिलने वाली ज्यादातर किताबें कला और नाट्य रंगकर्म से जुड़ी होती हैं। 556 दर्शकों की क्षमता वाला श्रीराम सेंटर 1975 से सक्रिय है। इंडियन नेशनल थिएटर से विकसित हुए इस संस्थान की स्थापना 1948 में हुई। ये मंडी हाउस इलाके की अहम इमारतों में से एक है। इसे शिवनाथ प्रसाद ने डिजाइन किया था, जिनको चंडीगढ़ के टाउन प्लानर और भारत में ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर लाने वाले ली कुर्बुसियर का एकलव्य कहा जाता है। वास्तुकला में ब्रूटलिज्म एक आंदोलन था, जिसने इमारतों की बाहरी साज सज्जा, यहां तक कि प्लास्टर और पेंट को पूरी तरह से नकारा। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें धन की बचत और वास्तुकला का सटीक दर्शन प्रमुख है। सफदर हाशमी रोड और सिकंदरा रोड के इंटरसेक्शन पर भी एक सूखे पौंड के बीच में आधुनिक कला की एक कृति लगी है। यहाँ एक सूफी की मजार के पास चाय नाश्ता करने वालों का तांता लगा रहता है। यही नाभा स्टेट की जगह अब हिमाचल भवन खड़ा है, जिसका डिजाइन तैयार किया था सतीश ग्रोवर ने। सिकंदरा रोड का नाम उत्तर प्रदेश की उस जगह के नाम पर पड़ा है जहाँ पर बादशाह अकबर का मकबरा है। ये नाम अब मेट्रो के स्टेशन के साथ जुड़ गया है। यहाँ हम देख सकते हैं सिखों के पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर की 30 फीट ऊंची प्रतिमा। बहावलपुर हाउस की जगह अब एनएसडी ले चुका है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में हुई। भरत रंग महोत्सव जैसा शानदार नाट्य उत्सव यहीं होता है। कथक केंद्र भी इसी परिसर में है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अब्राहम अलकाजी एनएसडी के पहले निर्देशक थे, वो हिंदी थिएटर में क्रांतिकारी बदलाव लाए। नाट्य जगत में संघर्षरत अनगिनत युवा यहाँ दाखिला लेकर अपने सपनों को पंख देना चाहते हैं। कंधे पर झोला लटकाए किसी नई कहानी, नई कविता और नई सोच के साथ यहाँ घूमते हुए नजर आते हैं। भगवान दास रोड का नाम आमेर के राजा के नाम पर रखा गया, वो बादशाह अकबर के घनिष्ठ मित्र थे। ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट और प्रगति मैदान की तरफ जाता है। प्रगति मैदान में स्थित आधुनिक कला के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर एक शानदार इमारत हॉल ऑफ नेशन अब इतिहास बन चुकी है। 1972 में आर्किटेक्ट राज रेवल द्वारा ब्रूटलिस्ट स्टाइल में डिजाइन की गई नई दिल्ली की शहरी विरासत को 2017 में मलबे में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ एक नया और आधुनिक परिसर बनाने का काम जोरों पर है। सन 1940 में मंडी के 18वें राजा सर जोगिंदर सेन बहादुर ने यहाँ अपना महलनुमा आवास बनाया था। आजादी के बाद दूसरे रजवाड़ों की कोठियों की तरह उनकी कोठी को भी भारत सरकार ने ले लिया। 1970 के दशक में इस कोठी को गिराकर उसकी जगह दूरदर्शन का विशाल दफ्तर बनाया गया, जिसके वास्तुकार थे राज रेवल। इससे पहले यह दफ्तर संसद मार्ग पर हुआ करता था, जहां से गांधी जी ने अपना पहला और आखिरी आकाशवाणी भाषण दिया था। रूस के सर्वश्रेष्ठ कवि अलेक्जेंडर पुश्किन, इनकी मूर्ति जहां लगाई गई है वहां दो सड़कें आकर जुड़ती हैं, जो बहुत पुराने जमाने की दो हस्तियों की याद दिलाती हैं, फिरोज शाह तुगलक और निकोलस कोपरनिकस। फिरोज शाह को खगोल विद्या और वास्तुकला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने दिल्ली में दो अशोक स्तंभ लगवाए थे, जिनमें से एक दिल्ली के उत्तरी रिज पर स्थित है और दूसरा फिरोजशाह कोटला में। कोपरनिकस का जन्म पोलैंड में हुआ, वो एक महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने यह पता लगाया कि अनेक ग्रह सूर्य के गिर्द चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस मार्ग का नाम पहले लिटन रोड था। रॉबर्ट लिटन 1876 से 1880 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और लुटियंस के ससुर थे। लिटिल थिएटर ग्रुप राजधानी के सबसे पुराने सभागारों में से एक है।
जिसमें 327 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। पिछले कई दशकों से यहाँ पर कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसके संस्थापक थे इंद्रलाल दास। कमानी ऑडिटोरियम का निर्माण SBKK ट्रस्ट ने 1971 में करवाया था। इसमें 632 सीटों की क्षमता है। ये मंडी हाउस का सबसे बड़ा थिएटर है। श्रीराम भारतीय कला केंद्र की स्थापना 1952 में हुई। यहाँ शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य की कक्षाएं चलती हैं। मेघदूत थिएटर का निर्माण संगीत नाटक अकेडमी के मैदान में 1966 में किया गया। ये उन खुले रंग मंचों में से एक है जो अब्राहम अलकाजी की देखरेख में बना। उनका पक्का विश्वास था कि कलाकारों के लिए अपने दर्शकों से जुड़ने का यही बेहतरीन तरीका है। 1961 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी पर निर्मित किया गया रविंद्र भवन दिल्ली की मील के पत्थर इमारतों में से एक है। इधर ही है ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य अकेडमी। फिरोजशाह रोड पर स्थित रविंद्र भवन को देखकर आप तुरंत कहेंगे कि इसके डिजाइन में परंपराओं और भविष्य के भारत की झलक मिलती है। इसका डिजाइन तैयार किया था प्रसिद्ध वास्तुकार हबीब रहमान ने, जिन्होंने वास्तुकला की दुनिया की नई परिभाषा लिखी। नेहरू जी की सलाह पर हबीब रहमान ने इस इमारत में जालियों और बगीचों के लिए जगह रखी। रविंद्र भवन के परिसर में प्रवेश करते ही आपको लगता है मानो आप कला और संस्कृति के संसार में आ गए हो। हबीब रहमान के पुत्र राम रहमान का नाम आज एक जाने माने फोटोग्राफर के तौर पर लिया जाता है। वो सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में से एक है। रविंद्र भवन में प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी की लाइब्रेरियों में हर उम्र के पढ़ाकू लोग और शोधार्थी ऐसे गुमसुम नजर आते हैं जैसे उन्हें कुछ और की ही तलाश हो। ललित कला अकेडमी द्वारा NDMC को ऋण के रूप में दी गई ये अनाम कलाकृति चाहे आपको समझ ना आए मगर आपका ध्यान जरूर आकर्षित कर लेती है। इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग के डीन बलबीर सिंह कट ने बनाया था। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव यानी सेंट्रल पार्क। मंडी हाउस गोल चक्कर के अंदर पार्क में भीड़ और वाहनों के शोर से अनसुने कलाकार नाटक के डायलॉग कुछ यूं दोहराते हैं मानो उन्हें देश दुनिया की खबर ही नहीं। इनमें बॉलीवुड में एंट्री पाने के सपने पाले नौजवान या रंगमंच पर पहचान बना चुके कलाकार भी हैं। सिगरेट के धुएं के बीच ये लोग देश दुनिया की समस्याओं को रंगमंच पर जीने उस दृश्य में तब्दील करने की कश्मकश में खोए मिलेंगे। लैपटॉप या पर्ची में लिखे डायलॉग से लेकर निर्देशक की चुंचलाहट और एक एक सीन के लिए बारंबार रीटेक करते कलाकार वहां से गुजर रहे लोगों के लिए भले ही अचरज हों लेकिन ये मुक्त आकाश उनके रंग संसार का बेहतरीन स्थल है। पर ये खुला आसमान विकास और उन्नति की इस दौड़ के चलते और कितने दिन रह पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के सुझावों को लागू किया गया तो आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर कुछ इस तरह हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आधुनिकता और परंपरा को खास तरीके से संजोए मंडी हाउस की सैर। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर सकते हैं। आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।